नहीं मैं छोड़ रही पार्टी अभी से। हाँ जी सी बात लिस्ट हम लोग 40 साल चला गया और ये लिस्ट बनाएगी तब हम लोग जाएंगे मिलने। जो, जो मतलब ऐसा से आएंगे वो लोग ठेकेदारी लेंगे कि जो आंदोलन करेगा वो ठेकेदारी लेगा। मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने। बिल्कुल नहीं आज से पार्टी हम लोग छोड़ रहे हैं। कहती हूँ मैं पार्टी छोड़ूंगी। मैं अपने सारे हम लोग छोड़ रहे हैं। प्रियंका जी को सिर्फ भ्रमिका के काम किया जा रहा है। प्रियंका जी को ये समझा जा रहा है अपने सारे मीडिया भाइयों के सामने। कहती हूँ कि कैसे कांग्रेस खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी में इसलिए इतने लोग रहे। मैं विरोध करती हूँ। बिल्कुल नहीं कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस को खाने के लिए वो फंसे हुए हैं। पूरे आंदोलन में एक पोस्ट किया हो आंदोलन की बातें छोड़ दी थी। पार्टी छोड़ती हूँ और जो जमीन वाला नेता है कांग्रेस में बनने के लिए सारे प्रदेश में आह्वान करती हूँ इस कांग्रेस को छोड़ दे। एकदम नहीं लाजरिंग नहीं चलेगा। ये जो पुलिस के भाई बहन है ना ये भी कहीं नहीं दोषी है। सरकार से प्रभावित है। हम लोग जाते हैं अपने ड्यूटी छोड़ के। ये भी गलत नहीं है। कभी है हम लोग पार्टी में भी नहीं रहना है। ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तीन चार लोगों से है ये चार लोग लड़ लेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि चार लोग लड़ लेंगे। मुन्ना भैया मुन्ना भैया मुन्ना भैया आइए ना। पूछ रहे हो मेरे भाई ये हमारे घर की बात है हम समझ लेंगे। आप लोग जो कांग्रेस पार्टी को ऊपर बात कर रहे हैं हम एक विचारधारा की लड़ाई है और हम कांग्रेस के लिए जीवन भर लड़ते रहेंगे। आपको मिलने नहीं दिया जा रहा। आपको मिलने नहीं दिया जा रहा। हम लोग केवल से जिस दिन पुलिस उठाई सारे हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों को उस दिन से हम जैसे और हमारे साथ और भी सारे जो लोग कटे रहे उनको इन लोग को कैची लगा के छाट दिया जा रहा है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको साइलेंस कर दिया जा रहा है। ये प्रियंका जी को समझना होगा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। लड़ाई अकेले चार लोगों की लड़ाई है। मुलाकात नहीं है। हम जितने काम किए हैं उसमें मुलाकात हम लोग नहीं समझते।